press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. This is Hina Kumawat from Awaaz.com. अभी हमने देखा और उन्होंने भी बात की कि इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं. हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और हमें लगता है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इस बात की जानकारी या बताना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्कूल एजुकेशन से ही भले ही हायर स्टडीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि लड़कियों में भी अवेयरनेस हो कि क्या है ये सेक्शन? Sir, you want to take this? I mean, I think sex education अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है और I don't think anybody will disagree कि अब जब से डेटा फ्री हुआ है, you hear of these cases के juveniles ने गैंग रेप करके वीडियो अपलोड कर दिया. रेप वीडियोज आर वेरी पॉपुलर ऑन पॉर्न साइट्स. सो इन द एब्सेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन यंग बॉयज यंग गर्ल्स विल टर्न टू पोर्नोग्राफी for sex education. That is such a skewed way of looking at the world. That is so wrong at a very base level. Is cheez ko rectify karne ke liye, it's all the more important to have a discussion, whether at home, agar aap comfortable nahi hai apne bachcho to school mein baat kijiye. Mere school mein tha sex education and it really helped. We had a great relationship with between boys and girls. It was a co-ed school. और बहुत फर्क पड़ता है आपकी overall life और upbringing पे. तो ये ज़रूरी है. मुझे ये नहीं पता कि constitution पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो lawyers पढ़ते ही हैं. पर ये तो बहुत basic बात है कि rape या molest या assault करना गलत है और ये सब जानते हैं. पर बावजूद इसके जो लोग करते हैं उनके दिमाग में भी कुछ एक मतलब जैसे criminal bent of mind, एक प्रवृत्ति होती है. उस चीज को एड्रेस करने के लिए आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल. आल्सो नॉट ओनली इन स्कूल मैम, आई थिंक इवन इन द हाउस, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर गर्ल्स आर बीइंग मोलेस्टेड बाय देयर ओन रिलेटिव्स एंड पीपल हु आर नोन टू देम. इनफैक्ट 98% ऑफ द केसेस दोज जहां पे जो मोलेस्टर था या असॉल्ट करने वाला था विक्टिम का जानने वाला था, तो वो घर पे भी आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत जरूरी, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी. They should know the signs, they should know how to report abuse, they should be able to recognize abuse and not fear ke relative hai ya koi bhi hai jo bhi hai. Is film ye aane ke ye script aane se pehle aap log jante the ki section 375 kya hai? Frankly main nahi janta tha. So when I got the script I read about it and that's how my education started. I did not. रिचा यू, अक्षय आप, एग्जैक्टली रेप का होता है 375, मर्डर का होता है ये नंबर, किसी और क्राइम का वो नहीं मालूम था, लेकिन रेप का लॉ है वो तो सब जानते ही हैं. रिचा, आई थिंक इस साल अब क्या होगा ना, आर्टिकल 15, 420, 377, 375, ये सब अब सिनेमा एजुकेशन का काम करेगी, तो जो नहीं भी जानता होगा उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा. अच्छा, इस सेक्शन में मी टू भी आता है जो इतना बवाल मचा पिछले दिनों? वी हैव नॉट कैटेगोरिकली यू नो ट्राइड टू टारगेट दैट मूवमेंट, बिकॉज़ नो मूवमेंट शुड बी यू नो जज्ड. इज राइट नाउ इज जस्ट यू नो अभी इंडिया में वो अभी एक परचम पे नहीं पहुंची है, वो कहीं पहुंच रही है तो हमने उसको नहीं छेड़ा है, ठीक है. द केस माइट सीम सिमिलर टू यू कि एक फिल्म डायरेक्टर है जिसने अपने एक जूनियर असिस्टेंट के साथ एलिजिडली रेप किया है, एंड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज फाइंडिंग आउट द ट्रूथ. एंड ट्रूथ, देयर इज अ फेमस सेइंग, एज यूजुअल लाइज समवेयर इन द मिडल. सो द फिल्म डज नॉट टेक एनी साइड्स, नीदर द गर्ल्स और द बॉयज, इट्स कंप्लीटली अनबायस्ड व्यू. एंड व्हेन बोथ आर राइट एंड यू कैन नॉट डिसाइड द केस, देन व्हाट डज लॉ टेल यू टू डू एंड हाउ डू यू टैकल दैट? सो दैट इज द सेंट्रल क्वेश्चन that the film asks.